फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। अभी हो रही है सुबह की 8:30 और आज हम बनाने वाले हैं कटहल की सब्जी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कटहल की सब्जी काट ली है और आप लोग ये भी देख सकते हैं मैंने साथ ही साथ कुकर भी चढ़ा लिया है क्योंकि हम कुकर में कटहल की सब्जी बनाते हैं क्योंकि कुकर में बहुत जल्दी कटहल की सब्जी बन जाती है। तो यहाँ पे कुकर में मैंने डाल दिया है सरसों का तेल क्योंकि सरसों का तेल बहुत ज्यादा जरूरी होता है कटहल की सब्जी में। गाइस काफी सारे लोग कटहल को पहले फ्राई करते हैं मतलब तेल में फ्राई करते हैं बट हम नहीं करते हैं क्योंकि अगर हम उसे तेल में फ्राई करें तो वो और ज्यादा ऑयली हो जाता है इसलिए हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने तेल की जो क्वांटिटी है वो थोड़ा ज्यादा कर ली है क्योंकि कटहल की सब्जी बनाने के लिए तेल थोड़ा ज्यादा लगता है। और अब यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो चुका है और मैंने इसमें डाल दिया है जीरा। तो जीरे को थोड़ा मैं ब्राउन होने दूंगी। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर लिया है आधा चम्मच हल्दी। हल्दी मैंने इसलिए ऐड की है जो कि मैं आपको बताई चुकी हूँ अपनी काफी सारी वीडियोस में कि हल्दी को अगर हम लोग पहले तेल में डाल देते हैं तो उससे हमारा जो सब्जी या दाल जो भी चीज हम बना रहे हैं उसका कलर निखर के आता है। तो अब यहाँ पे गाइज मैं डाल रही हूँ कटे हुए कटहल जो कि मैंने पहले ही धो के रखे हुए थे। तो कटहल को मैं इसमें डाल रही हूँ। हमने ज्यादा मोटे इन कटहल को नहीं रखा है, मीडियम साइज में काटा है क्योंकि ज्यादा मोटे इनको रखते हैं तो वो पकने में बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं तो मीडियम साइज का हमें कटहल काटना होता है। तो बस मैं अच्छे से अब इसे फ्राई कर दूंगी। हमारा कटहल अच्छे से फ्राई हो चुका है और अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। तो मसाले में मैंने सबसे पहले यहाँ पे ऐड किया है लाल मिर्च पाउडर, मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। उसके बाद धनिया पाउडर मैंने यहाँ पे ऐड किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे सब्जी मसाला ऐड करूंगी और उसके बाद 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पे मैं नमक इसमें ऐड करूंगी और इन सारी चीजों को अच्छे से मैं मिला लूंगी। और मैं कुछ देर के लिए इसे ऐसे ढक के रखूंगी ताकि जो हमारा कटहल है वो थोड़ा अच्छे से पक जाए मतलब जो मॉइस्चर है वो इसमें अच्छे से आ जाए। मैंने 5 से 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ढक के रख लिया है। 5 से 10 मिनट होने के बाद मैं फिर से इसे एक बार घुमा लूंगी। उसके बाद मैंने इसमें 4 से 5 टमाटर कट किए हुए थे वो इसमें ऐड कर लिए हैं। टमाटर डालना ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो आप लोग ना डालें बट हम लोगों को पसंद है क्योंकि थोड़ी सी खट्टी सब्जी हो जाए ना कटहल की तो मजा आ जाता है। बट अगर आप लोग नहीं डालना चाहते हैं तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 टमाटर कट किए हुए थे जो मैंने इसमें ऐड कर लिया है और अब मैं इन टमाटरों को कटहल में अच्छे से मिला लूंगी ताकि ये जो हमारे टमाटर है वो भी पक जाए क्योंकि कच्चे टमाटर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। काफी सारी सब्जी में अगर हम लेट में टमाटर डालते हैं तो वो थोड़ा कच्चे कच्चे से लगते हैं तो इसलिए मैं इसमें पूरा इसे घुमा लूंगी और फिर कुछ देर के लिए इसे ढक के रख लूंगी। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं 10 से 15 मिनट मैंने इसे ढक के रखा हुआ था और आप लोग देख सकते हैं कि हमारी सब्जी बन के रेडी हो चुकी है और बहुत ही प्यारी हमारी सब्जी बनी हुई है। बहुत इजी तरीके से ये सब्जी बन जाती है, ज्यादा टाइम इस सब्जी में लगता ही नहीं है। अगर आप लोग भी कटहल की सब्जी बनाते हैं तो एक बार ऐसे जिस तरीके से मैंने बनाई इस तरीके से बना के जरूर देखें, आप लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ज्यादा टाइम इस सब्जी में नहीं लगता है, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का टाइम ही इस सब्जी में लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी सब्जी बन के रेडी है। सो हे गाइस वेलकम टू माय चैनल, कैसे हो आप सभी लोग? आई जस्ट होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस देखा ना आप लोगों ने, आज सुबह हमने बनाई कटहल की सब्जी जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। सो अभी जस्ट मैं आई हूँ ऊपर अपने रूम पे और अभी जस्ट मैंने अपना काम फिनिश किया, यानी कि झाड़ू पोछा कपड़े जो भी घर के काम होते हैं वो फिनिश किया। मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई, जैसे कि मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है, अभी मेरा ट्राईपॉड टूट चुका है और मैं अभी ऑनलाइन नहीं मंगा सकती हूँ। तो यही वजह है कि मैं आप लोग के साथ ये चीजें शेयर नहीं कर पा रही हूँ।
तो आज मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चन के जवाब दूंगी। मेरे को काफी सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो जिनके जवाब देना काफी ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला मुझे क्वेश्चन आया था कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मैं क्या करती हूँ। तो उन सभी लोगों को मैं यही बोलना चाहूंगी कि डियर, आप लोग मेरी, जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया था, मैंने अपने चैनल की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें ही अपना इंट्रोडक्शन दे दिया था कि मैं कौन हूँ, कहाँ की हूँ, क्या क्या करती हूँ। ये सारी चीजें आप लोगों को मेरी उस वीडियो में दिख जाएंगी। तो मुझे नहीं लगता मैं आप लोगों को दोबारा से ये बातें बताऊं। वीडियो पे जाके जो मैंने फर्स्ट जब मैंने ये चैनल खोला था उस टाइम मैंने वो वीडियो बना दी अपनी, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। मैंने वहां पे बताया हुआ है कि मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ। जो भी क्वेश्चन आप लोगों का मुझसे है वो क्वेश्चन आप लोग वहां पे देख सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं, आप लोग सोचेंगे ये अजीब सी आवाज क्यों आ रही है, तो मैं बता दूं, ये देखिए मैंने अभी एसी चलाया हुआ है तो आप लोगों को मे भी आवाज आ सकती है। वो इसीलिए चलाया हुआ है कि गर्मी बहुत ज्यादा है। अभी मैंने झाड़ू पोछा किया, कपड़े धोए, तो मुझे काफी ज्यादा गर्मी लग गई थी, इसलिए मैंने एसी चलाया है। तो भाई एसी बंद करके या फिर फैन बंद करके मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। मे भी आप लोगों को थोड़ा बहुत इसमें साउंड इसकी सुनाई देगी, तो उस चीज को माइंड बिल्कुल भी मत कीजिएगा आप लोग। पहले क्वेश्चन को तो मैंने आप लोगों को जवाब दे दिया। और एक क्वेश्चन मुझे ये आ रहा था, आप ना कि DIY बता रही हैं, तो आप खुद पे यूज करती हैं DIY? तो मैं वहां पे उसको भी क्लियर करना चाहती हूँ इस क्वेश्चन को, कि आपने शायद, आपको मेरी वीडियो देखने में गलती हो गई होगी, आपको दिखता नहीं होगा शायद से, कि मैं जो भी DIY आपको बताती हूँ वो DIY मैं अपने फेस पे, मतलब कोई भी चीज का मैं DIY बताती हूँ तो अपने पे उसे यूज करके ही आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों ने मेरी वीडियो शायद देखी नहीं होगी, एक बार आप लोग पूरी वीडियो देखे तब आपको ये चीज पता चलेगी। तो अभी मैं नीचे बैठ गई हूँ क्योंकि खड़े खड़े होके मेरे हाथ में दर्द हो गया, ट्राईपॉड नहीं है, बता ही चुकी हूँ, दोबारा बोल रही हूँ ये बात। तो एक ने मुझे क्वेश्चन किया था, तो गाइज एक ने मुझे एक ऐसा कमेंट किया था, बोला था कि बिना, देखो कैसे कैसे लोग आजकल यूट्यूब पे आ जाते हैं, बिना मुंह हाथ धोए, बिना मेकअप शेकअप किए और वीडियो बनाने चले जाते हैं। तो मैं उनको ये बता दूं कि जरूरी नहीं है कि हम 2.5 किलो का मेकअप पोत के वीडियो बनाएं, ये जरूरी तो नहीं है ना। मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं चाहती कि मैं हर टाइम मेकअप लगा के वीडियो के सामने आऊं। भाई मैं अपनी लाइफ स्टाइल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अपना डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो जरूरी है मैं मेकअप करके आप लोगों के सामने आऊं। जिन लोगों को मेरी ब्लॉग पसंद आएगी, मेरी वीडियो पसंद आएगी, ऐसे ही आ जाएगी। जरूरी तो नहीं है कि जो लोग मेकअप पोत के आते हैं उन्हीं लोगों को आप ज्यादा देखते हो। एग्री करते हो ना आप लोग मेरी इस बात से? तो जरूरी तो नहीं है ना ये चीज। तो भाई मुझे नहीं शौक, मैं पूरा दिन मेकअप पोत के नहीं रह सकती हूँ। मैं आप लोगों के साथ अपना रूटीन वीडियो शेयर करती हूँ, तो ये मेरे से नहीं होगा। 24 घंटे में मेकअप में नहीं रह सकती हूँ। जिसने भी मुझे ये कमेंट किया था कि आप मुंह उठा के चल देती हो, मुंह उठा के वीडियो बना लेती हो, तो अगर आप लोग, तो अगर आपको मेकअप करने का शौक है, अगर यूट्यूबर हो, तो आप ही वो 2.5 किलो का मेकअप पोत है और आप ही वीडियो बनाएं। मुझे नहीं शौक है, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही हूँ। आप लोग मुझे इस चीज के लिए नहीं बोल सकते, वो मेरी मर्जी, मैं कैसे वीडियो बनाऊं, किस तरीके से मैं वीडियो बनाऊं। मैं अपने रियल फेस से ही खुश हूँ, मुझे नहीं पोतना है 2.5 किलो का मेकअप, और मेकअप पोत के मेरे को अपनी व्लॉगिंग नहीं करनी है। सो आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। काफी सारे ऐसे कमेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी कर देते हैं। मेरे को ज्यादा कमेंट तो नहीं, बट एक ही बंदा ऐसा था जो मुझे ऐसा लिख रहा था, और एक दो का जो मैंने बता दिया, जो मेरे से पूछ रहे थे मैं कहाँ की हूँ, ये तो ये क्वेश्चन मुझे आए थे, तो मैं यहीं पे क्लियर करना चाहती थी उन क्वेश्चन को। और साथ ही साथ मेरे काफी ऐसे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये वीडियो बना दो। बट मैं यही कहना चाहूंगी कि डियर, मैं बहुत जल्दी आप लोगों की रिक्वेस्टेड वीडियो पूरी करूंगी। काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे ऑनलाइन लेनी पड़ेंगी, बट मैं अभी नहीं ले सकती हूँ क्योंकि कोरोना की वजह से मैं यहाँ पे अभी नहीं ले सकती हूँ उन चीजों को ऑनलाइन। तो उन लोगों की रिक्वेस्ट गाइस मैं बहुत जल्दी पूरी करूंगी। आप लोग मुझे बार बार बोलते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता कि मैं आप लोगों को बार बार क्या बोलूंगी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अपने ब्लॉग में ही आप लोगों को बता देती हूँ कि ऐसी परिस्थिति में मैं नहीं ला सकती हूँ ऑनलाइन, कोई चीज मंगा नहीं सकती हूँ, बट बहुत जल्दी मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट जरूर पूरी करूंगी। आप लोग जो रिक्वेस्ट मुझसे करते हो उनको पूरा करना मेरा काम है और मैं बहुत जल्दी उनको पूरी करूंगी। सो गाइज यही मेरे कुछ जवाब थे सवालों के जो लोग मुझसे पूछ रहे थे। और बाकी मैंने अपना ब्लॉग आज स्टार्ट तो कर दिया है। मे भी मुझे लगता है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं इस ब्लॉग को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, क्योंकि हमेशा बोल बोल के मेरा ब्लॉग बहुत लंबा हो ही जाता है। और अभी जस्ट मैं आई हूँ ऊपर अपना नाश्ता वास्ता करके, और अभी मैं कर रही हूँ एडिटिंग। मैं बैठी हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग, जो हमारा ये मैंने लगाया था नीचे गद्दे, उसमें बैठी हूँ। और आप लोग मेरी ड्रेस को माइंड मत करना, मैं ऐसे ही घर में रहती हूँ, मैक्सी पहन के ही घर में रहती हूँ, तो मैक्सी मैंने पहनी है। सो तो चलो मिलती हूँ आप लोग को थोड़ी देर में, ओके।
यहाँ पे शाम को बड़ी अच्छी हवा आती है, इसलिए मैं अभी घूम रही हूँ। आज तो बड़ी अच्छी हवा आ रही है, कभी कभार आता है ऐसा मौसम। देखिए, देख रहे हो आप, बहुत तेज़ हवा चल रही है और मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है। मतलब बाहर बैठने लायक तो हो ही गया है, मे भी बारिश आ सकती है, कोई पता नहीं। यहाँ पे बारिश आती नहीं है सही से। तो अभी मैं घूम रही हूँ अपनी गली में, थोड़ा हवा की मतलब हवा जो नेचुरल हवा आ रही है उसके मज़े ले रही हूँ। ये देख लो, अभी भी बारिश भी आनी शुरू हो गई। अरे यहाँ पे देखो गाइस, मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से यहाँ पे क्या है। बना रही हूँ, माय गॉड, तो गाइज अभी जस्ट हम यहाँ पे घूम रहे थे और अचानक से यहाँ पे सांप आ गया, और अभी वो सांप गया हुआ उधर गया हुआ है, तो मैंने वीडियो बना लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ इसमें। क्योंकि जैसे मैं घूम रही थी उसके बाद मैंने वीडियो बंद कर दी थी बनानी, तो अभी यहाँ से वहां तक गया वो सांप, वो देख सकते हैं आप लोग, लास्ट कॉर्नर है जो हमारी गली का, वहां तक गया है। मैं वीडियो आपको दिखाती हूँ, मैं इसमें लगा दूंगी वीडियो, आप लोग खुद पर खुद देख लीजिए यहाँ पे एकदम से कितना बड़ा सांप आ गया। वो देखो ना, वहां चला गया। इधर गया, उधर जा रहा, उधर चला जाएगा उसमें से, नाली में से जाने दो। गाइस यहाँ अभी मैं जस्ट डिनर करके आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखो, ये देख रहे हो गाइस, पता नहीं कहाँ से ये अंदर घुस गया है और ये बाहर नहीं जा रहा है, ये तो काटता भी है। ये देखो अपने पांव वो कर रहा है वो, कि हमें काटने के लिए तैयार हो रहा है वो। आज वैसे ही कम चीज देखी है मैंने जो ये भी मेरे को अब मारने वाला है। चले जा भाई बाहर, क्या करूं गाइस, अब इसको कैसे बाहर भगाऊं, मुश्किल जाएगा। क्योंकि मैंने अभी इसको भगाने की कोशिश की, बट ये जा नहीं रहा है और मुझे लग रहा है कि ये हमें काटेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हाँ तो वैसे मैं बहुत ज्यादा डरी हुई। जैसे मैं आपको दिखा दिया कि मैं अभी बाहर घूम रही थी और एकदम से स्नेक हमारे सामने आ गया, और अभी ये तो हमारे बेडरूम में घुस गया। अब इसको बाहर कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कहीं काट ना दे मुझे। तो चलो मैं इसको भगाती हूँ, कि मेरे पास आ रहा है, मैं इसको भगाती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ।